एक लड़की हूँ, लेकिन शायद आपको लड़का लग सकती हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मैं टांगे फैला के चलती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं आपके साथ चल सकती हूँ आपकी ही तरह। इसलिए भी नहीं क्योंकि मैं मुंहफट हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे अपने विचार व्यक्त करने से डर नहीं लगता। इसलिए तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मैं आपकी नकल मारना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं ऐसे ही माहौल में बड़ी हूँ जहाँ मेरे माँ बाप ने मुझे कोई डिफरेंस नहीं सिखाया। पिंक या ब्लू में डिफरेंस, इंजीनियर या फिर टीचर में डिफरेंस, एक मैनेजर और एक हाउसवाइफ में डिफरेंस, अर्ली मॉर्निंग्स और लेट नाइट्स में डिफरेंस। मैं कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ी जहां मुझे किचन और ऑफिस के बीच में किसी एक को चूज करना पड़े। ना ही मुझे कभी टाइट जीन्स पहनने से मना किया, ना ही मुझे नाइंसाफी बर्दाश्त करने की सीख दी, ना ही मुझे कभी अपने हक के लिए लड़ने से पीछे रोका गया, और ना ही मुझे कभी ख्वाबों की हद बताई गई। मैं अपने घर की बेटी थी, बट मुझे अपने भाई जैसी सारी आजादी मिली। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं ऑफिस से आती थी और मेरा भाई मुझे चाय देता था, वो दिन भी जब मैं थक के जल्दी सो जाती थी और मेरा भाई गंदे बर्तन धोता था, और वो दिन तो मैं भूल ही नहीं सकती जब मैं अपने पीरियड क्रैम्प से चीख रही होती थी और मेरा भाई मेरे बदले घर साफ कर रहा होता। आपको भी शर्म नहीं आनी चाहिए अगर मैं बाइक चलाऊं और आपका बेटा गुड्डों से खेल। मुझे अपने बेटे से ज्यादा कमाते हुए देखकर आपको मुंह भी नहीं बनाना चाहिए। सुन रहे हो, आई एम नॉट सॉरी अगर कभी मेरी हंसी का वॉल्यूम थोड़ा ऊपर चला गया हो या फिर कभी मैंने तुम्हारे आगे बोल दिया हो। आई एम नॉट सॉरी अगर मैंने कभी तुम्हारे अगेंस्ट कोई कॉम्पिटिशन जीत लिया हो। And I am not sorry अगर मैं कभी तुम्हें इम्प्रेस ना कर पाई, क्योंकि मैं कभी बंदिशों में नहीं रही। इसलिए नहीं कि मैं बदतमीज हो जाऊं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जेंडर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं करती, ना उनके हक में, ना उनकी पसंद में, और ना ही उनकी प्रायोरिटीज में। यकीन मानो किसी की परवरिश पे उंगली उठाने में सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन पता है अपनी औलाद को ऐसा उठाने में बहुत कुछ लगता है। कोशिश करो, अच्छा लगेगा। Hey Sam fam, welcome back to another social Sunday. If you're new here, this is Sam and I create videos on almost everything. ये poetry मैंने काफी टाइम पहले लिखी थी, बट जब जब मैं इसे पढ़ती हूँ तो मुझे इस बात पर बहुत गुरूर होता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे कभी मेरे भाई से कम नहीं समझा। अगर आपको भी ये कॉम्पोजिशन पसंद आया हो और कहीं ना कहीं आप इससे रिलेट कर रहे हो, तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना और सब्सक्राइब, क्योंकि मैं हफ्ते में 2 बार वीडियोस डालती हूँ। अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। आई थिंक आई शुड लीव नाउ एंड टू मीट ऑन अनदर थर्सडे। अल्लाह हाफिज़।